हेलो दोस्तों, आज फिर आपका मनोज कंबोज एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रायिकता भाग टू। इसमें हम लेंगे कार्ड, ताश के पत्ते। ताश के पत्ते के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम आपको बताएंगे। कार्ड, ताश के पत्ते। टोटल ताश के पत्ते 52 होते हैं, 52 पत्ते ताश के टोटल होते हैं। इनमें क्या है, हुकुम के पत्ते का स्प्रेड बोलते हैं, इसमें 13 होते हैं। चीड़ी के पत्ते, इनकी संख्या भी 13 होती है। पान के पत्ते, इनकी संख्या भी 13 होती है। और ईंट के पत्ते, इनकी संख्या भी 13 होती है। टोटल पत्ते कितने होते, 52 होते हैं। और फिर चार भागों में डिवाइड कर दिया, 13 13 13 13 52, तो कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं। ओके। और जैसे कि हुकुम के पत्ते, चीड़ी के पत्ते, इनमें सब में क्या है, 4 फेस कार्ड होते हैं, मतलब चार फेस कार्ड होते हैं, जिसको मुहूर्त बोलते हैं। चार मुहूर्त होती है, ठीक है। मुहूर्त क्या होगी, इक्का, बेगम, गुलाम, बादशाह, ये हमारी मुहूर्त होती है। तो चार मुहूर्त, इनमें चार चार चार, टोटल कितनी मुहूर्त होती है, टोटल 16 मुहूर्त होती है। 16 मुहूर्त कैसे, हुकुम के पत्ते में चार मुहूर्त हो गई, चीड़ी के पत्ते में चार मुहूर्त हो गई, पान के पत्ते में चार मुहूर्त हो गई और ईंट के पत्ते में चार मुहूर्त हो गई, टोटल 16। तो मुहूर्त कितनी है टोटल, तो ताश के 52 पत्तों में मुहूर्त हमारी कितनी हो गई, 16 हो गई। ओके। अब मुहूर्त 16 हो गई, अब जो पत्ते और बचे नॉर्मल वो कितने हो गए, 36 हो गए। ओके। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। ताश के पत्तों पर क्वेश्चन कैसे बनता है वो आप ध्यान से देखना। ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा, उस पत्ते की मुहूर्त होने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर एक, ताश की पत्ती से, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा, उस पत्ते की मुहूर्त होने की प्रायिकता। अब ताश के पत्तों में 16 मुहूर्त होती हैं, ठीक है। अब प्रायिकता क्या आ जाएगी, टोटल पत्ते कितने हैं ताश के, 52 है, ऊपर 16 आ जाएगी, टोटल मुहूर्त 16 होती है। एक पत्ता कोई खींचा, 16 मुहूर्त, तो 16 जो मुहूर्त है उनमें से एक मुहूर्त पक्का होगी, तो ऊपर आ जाएगा और 52 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको काट दो, इसका ये आंसर हो गया। अब नंबर दो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, वह पत्ता गुलाम का हो। नंबर दो क्वेश्चन, यदि जो एक पत्ता खींचा गुलाम का हो, यदि वो पत्ता खींचा वो पत्ता गुलाम का हो, तो पत्ते की गुलाम के होने की प्रायिकता क्या होगी। 52 पत्तों में गुलाम कितने होते, चार गुलाम होते, चार ऊपर जाएगा और 52 नीचे जाएगा, 1/30, ये इसका आंसर हो गया। और नंबर तीन, आपने ध्यान से सुन लिया कि पत्ता गुलाम हो तो प्रायिकता क्या होगी, तो एक का 13 हो गई, चार। अब नंबर तीन, वह पत्ता बादशाह हो, यदि वह पत्ता बादशाह होगा तो क्या होगा, टोटल बादशाह कितने होते हैं, टोटल बादशाह होते हैं चार, टोटल पत्ते 2 हो गए, हमने काट दो, 1/13,
इसका ये आंसर हो गया। नंबर चार, वह पत्ता लाल पत्ता हो, वह पत्ता लाल पत्ता हो। यदि वह पत्ता लाल पत्ता हो क्या होगा, टोटल लाल पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं। टोटल लाल पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो 26 ऊपर आ जाएगा और 52 नीचे आ जाएगा, 1.2। या समझ गए होंगे, वह पत्ता लाल हो, लाल पत्ते 26 होंगे ना, ईंट के और पान के मिला के, 13 ईंट के 13 पान के 26 हो गए, तो आंसर आ गया हमारा। अब मैं इसको रख करता हूं, आप ध्यान से देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5, वह पत्ता मूरत नहीं हो, यदि वह पत्ता मूरत नहीं हो तो क्या करेंगे, टोटल पत्ते हमारे 52 है, 16 मूरत घटा देंगे, 36 आ गया। वह पत्ता मूरत नहीं हो तो मूरत घटा दी मैं, तो जो मूरत नहीं है 36 पत्ते आ गए, 36 ऊपर आ जाएगा, नाइन 9.30, ये आंसर आ गया। अब छठा क्वेश्चन, अब छठा क्वेश्चन क्या बनेगा, यदि वह एक पत्ता जो खींचा वह बेगम हो या बादशाह हो, जो पत्ता खींचा बेगम हो या बादशाह हो, तो कितनी बेगम है, 4 बेगम हो गई, 4 बादशाह हो गए। जब एक पत्ता खींचा उसने बोला कि वह पत्ता बेगम हो या बादशाह हो, तो 4 बेगम हो, 4 बादशाह होते हैं, टोटल 8 हो गए। ओके, तो क्या इसका क्या सूत्र निकलेगा, 8/52 2.13। वह पत्ता बेगम और बादशाह होने की प्रायिकता कितनी होगी उसकी, 2.13। नंबर 7, वह पत्ता बादशाह नहीं हो, वह पत्ता बादशाह नहीं हो, वह पत्ता जो पत्ता खींचा वह पत्ता बादशाह नहीं हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बादशाह होने की प्रायिकता निकालेंगे। इसमें क्या, ये क्या बोला कि वह पत्ता बादशाह नहीं हो, इसमें बोला कि बादशाह नहीं होने की प्रायिकता निकालो, हम पहले निकालेंगे बादशाह होने की प्रायिकता, तो बादशाह होने की प्रायिकता कितनी होगी, 4 बादशाह हो गए, टोटल 52 पत्ते हो गए, पानी टोटल पत्ते हमारे 52 हो गए और 4 बादशाह हो गए, 1.13। इसका क्या हो गया, बादशाह होने की प्रायिकता। क्वेश्चन क्या है, वह पत्ता बादशाह नहीं हो, जिस भी क्वेश्चन में प्रायिकता में जो हमारा प्रायिकता सब्जेक्ट है उसमें नहीं वर्ड का यूज हो गया तो उसको क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे, तो 1-1.30। जहां पर नहीं वर्ड यूज होगा ना उसको एक में से घटा देंगे, 13-1, 12/13, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार कार्ड ताश के पत्तों से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, और लगभग जितने मैं क्वेश्चन बनाए मैं नहीं मानता कि क्वेश्चन इससे बाहर आएगा, इतने क्वेश्चन काफी है आपको समझने के लिए और याद रखने के लिए।
इससे आप और भी क्वेश्चन बना सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।